उत्तराखंड के चंबावत में भारी बारिश के कारण अपने पूरे उफान पर है नदियां। तेज बहाव होने के कारण देखते ही देखते बह गया बाइक सवार। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक और बाइक सवार को बचाया। पाली में भारी बारिश के कारण उफान पर हैं नदियां। नदी के तेज बहाव में फंस गया एक बाइक सवार। पाली में नदी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ गया भारी। आधे रास्ते पर अनियंत्रित होकर नदी में समाया ट्रैक्टर। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया मंजर। कर्नाटक के उडुपी में बारिश से बाइक सवार पर गिर गया बरगद का पेड़। बाइक सवार की मौत हो गई। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश के चलते गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया। जबकि उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, मलबा आने से कई सड़कें बंद हो गई। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, घरों और खेतों में पानी घुस चुका है। उधम सिंह नगर में बारिश का कहर है, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। दरभंगा के कमला बलान नदी में गिर गई, ग्रामीणों की तत्परता से वाहन सवार दोनों लोगों को बचाया गया। जबकि दरभंगा शहर के बेता सहायक थाना बारिश के पानी में डूब गया है, जैसे तैसे पुलिसकर्मी वहां पर रहने को मजबूर हैं। यूपी के बांदा में रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। बिजली गिरने से एक युवक की जान चली गई। यूपी के अलीगढ़ में बारिश से जनजीवन प्रभावित है, सड़कें और मोहल्ले तालाब में तब्दील हो चुके हैं, लोगों ने हंगामा किया। वहीं बिहार के हाजीपुर में गांव से लेकर शहर तक बारिश से हाल बेहाल, आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। केदारनाथ धाम में बारिश में भीग कर बीमार पड़ रहे यात्री, एसडीआरएफ जवान बीमार यात्रियों को पहुंचा रहे हैं अस्पताल। पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है पंचायत चुनाव का मतदान। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत सीट के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव में सियासी हलचल भी काफी तेज। शुभेंदु अधिकारी को अपने पोलिंग बूथ पर जाने से पुलिस ने रोका। बंगाल के पंचायत चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 1,35,000 जवानों की तैनाती है। केंद्रीय बलों की 485 कंपनियां इसमें शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक 22 जिलों की 63,229 ग्राम पंचायत सीटों, पंचायत समिति की 9,730 सीटों और जिला परिषद की 928 सीटों पर यह मतदान। जबकि बंगाल के पंचायत चुनाव में 5,70,00,000 लोग कर सकते हैं मतदान। 11 जुलाई को आएंगे चुनाव के परिणाम। आज दो जगहों के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तेलंगाना और बीकानेर का करेंगे दौरा। सुबह 10:30 तेलंगाना के वारंगल में होंगे प्रधानमंत्री। ये मोदी के तेलंगाना दौरे पर पीएम के साथ नहीं दिखे प्रधानमंत्री मोदी। आज तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए की परियोजना। शाम 4 बजे के करीब बीकानेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिस्से का उद्घाटन करेंगे पीएम। उधर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी आवास वर्षा पर हुई मीटिंग, कई मुद्दों पर अहम चर्चा। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, करीब 1 बजे बाहर आए डिप्टी सीएम। वहीं मीटिंग में नए डिप्टी सीएम अजीत पवार के भी शामिल हुए। मीटिंग से बाहर आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सीएम ने डिप्टी सीएम के साथ रखी मीटिंग। सियासत में उथल पुथल जारी है। उधर ठाकरे गुट की एमएलसी और विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। जबकि बदलते सियासी मिजाज के बीच एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने सीएम शिंदे से की मुलाकात। मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं इस वक्त। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का खंडन किया। बोली, अफवाहों पर ना दें ध्यान। 4 चुनावी राज्यों में बीजेपी ने किया प्रभारियों का ऐलान। राजस्थान में प्रहलाद जोशी को बनाया गया चुनाव प्रभारी। तो छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर बने चुनावी प्रभारी। एमपी की कमान भूपेंद्र यादव को सौंपी गई। तेलंगाना के चुनाव प्रभारी बने प्रकाश जावड़ेकर। सुनील बंसल को सह प्रभारी बनाया गया। जबकि त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के विधायकों का बवाल। बीजेपी विधायक पर विधानसभा में अश्लील वीडियो देखने के आरोप में कार्रवाई की मांग कर रहे थे विधायक। हंगामे के आरोप में स्पीकर ने 5 विपक्ष के विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित किया। सदन के कामकाज में बाधा डालने का आरोप। 5 विधायकों के निलंबन के बाद विधानसभा में बेंच और मेज पर चढ़ गए विपक्षी दलों के विधायक, जमकर हंगामा किया। उधर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न केस में बढ़ी ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबत। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने भेजा उनको समन।
राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया है, कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद बोले ब्रजभूषण सिंह, समन का करेंगे पालन, कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी एक्शन, राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने तोमर को भी तलब किया है। राहुल रेवेन्यू कोर्ट, शराब नीति घोटाले में बड़ा एक्शन, व्यापारी दिनेश अरोड़ा को ईडी के 4 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है। इस बीच कांग्रेस ने 14 जुलाई को महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक बुलाई है, दिल्ली में होगी यह बैठक, राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने शुरू किया जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को रोज मिलेंगे लाखों रुपयों के पुरस्कार, मुख्यमंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश। मणिपुर में फिर बढ़ती हिंसा, बिष्णुपुर और चूराचांदपुर के बॉर्डर इलाके पर हुई गोलीबारी, हिंसा में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है, गोलीबारी के दौरान 3 लोग जख्मी हैं। वहीं बालासोर हादसे में बड़ा एक्शन, सीबीआई ने सेक्शन 304 के तहत 3 रेलवे अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे को मिला धमकी भरा पत्र, बालासोर जैसी घटना हैदराबाद में करवाने की धमकी। रविवार को गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में करेंगे रैली, शाम 6 बजे से होगी रैली की शुरुआत। उधर कन्हैया कुमार के एनएसयूआई का प्रभारी बनने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले आमी पर बलात्कार का आरोप लगाने वाले को क्या सोच कर बनाया गया अध्यक्ष। वहीं 42 साल के हुए महेंद्र सिंह धोनी जन्मदिन पर बीसीसीआई ने सम्मान में वीडियो रिलीज किया। खूंटी के देवड़ी मंदिर में पुजारियों ने रखी एमएस धोनी के जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना, केक काटकर जश्न मनाया गया। हैदराबाद में भी प्रशंसकों ने धूमधाम से मनाया एमएस धोनी का जन्मदिन, 52 फीट का कटआउट बनाकर धोनी को शुभकामनाएं दी। रांची में भी धोनी के घर के बाहर दिखा समर्थकों का जमावड़ा, एक फैन ने धोनी 40 साल लिखकर सुना दी। कटा में बना देश का पहला वेद वन पार्क, आम जनता के लिए खुला, लोगों में भारी उत्साह। वहीं सोनीपत में बिजली कटौती की समस्या को लेकर किसानों का प्रदर्शन, विधायक निर्मल चौधरी पर लगाया पक्षपात का आरोप। करनाल में महिला की कोशिशों के बाद मिलने लगी हजारों कुंवारों को पेंशन, बेटे के लिए लगाई थी गुहार, अब कुंवारों को सरकार देगी 2,750 रुपए पेंशन। सीकर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन, पूर्व विधायक पेमा राम ने की सड़क निर्माण कार्य बंद कराने की मांग। जबकि रांची में रिश्वत लेते सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, फाइल आगे बढ़ाने की एवज में ले रहा था यह रिश्वत। केदारनाथ धाम में बारिश में भीग कर बीमार पड़ रहे हैं यात्री, एसडीआरएफ जवान बीमार यात्रियों को पहुंचा रहे हैं अस्पताल। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच, जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, 4 सड़क मलबा आने से बंद हो गए। यूपी के सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी की नदी में आया सैलाब, पुलिस ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर पानी से दूर रहने की अपील की। बिहार का दरभंगा शहर बारिश के पानी में डूब गया है, थाने के अंदर जमा हुआ घुटनों तक पानी, पानी में काम करने को बेबस पुलिसकर्मी। इधर दिल्ली में इंडिया डिजाइनर शो जेड एक्स शो का हुआ आयोजन, अनुप्रिया गोयनका और स्टेफी पटेल रही शो स्टॉपर, शो में जाने माने डिजाइनर्स ने शिरकत किया। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए 2 गुट, एक महिला की मौत हो गई है, 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में पति चला रहा था सख्त रैकेट, पत्नी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पटना में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप, कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक बताई गई। उत्तरी 24 परगना में सड़क किनारे मिली एक शख्स की लाश, लोगों ने जताई व्यापार में रंजिश के चलते हत्या की आशंका। रोहतास में जमीन के झगड़े को लेकर चले लाठी डंडे, एक महिला समेत कई लोग जख्मी हो गए। बैतूल में साले ने जीजा को उतार दिया मौत के घाट, बहन के साथ जीजा करता था मारपीट, जांच कर रही है पुलिस। चूरू में किसानों ने कलेक्टर और एसपी आवास के बाहर बजाए पीपे और डिब्बे, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। जबकि छतरपुर में नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में भीषण आग लग गई, मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर पाया काबू, तब तक कार जल चुकी। नालंदा में रूसी नागरिक फर्जी वीजा और आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार हुआ है, पिछले 3 सालों से बाबा बनकर भारत भ्रमण कर रहा था। हिंदू संगठन के लोगों ने लव जिहाद का मामला बताकर किया विरोध, पुलिस युवक युवती से थाने में कर रही है पूछताछ। जबकि मऊ में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक और गाय की मौत हो गई, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। वहीं नालंदा पुलिस ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हुए लूटकांड का खुलासा किया है, 7 लुटेरे इस मामले में गिरफ्तार किए गए। नोएडा प्राधिकरण को 4 करोड़ की चपत लगाने वाला फ्रॉड गिरफ्तार किया गया, प्राधिकरण की मोहर और 2 विड्रो स्लिप हुई इससे बरामद है। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है, थैले में विस्फोटक लेकर घूम रहा था यह नक्सली।
ग्वालियर में आईसीआईसीआई बैंक में नकली सोना रखकर 4 लाख का लोन निकालने का फ्रॉड, जांच कर रही है पुलिस। जबकि राजस्थान हनुमानगढ़ में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जोधपुर से आ रही रोडवेज की बस में पकड़ी 13,000 से अधिक नशे की गोलियां। रामपुर में बेटी के साथ बलात्कार के आरोपी पिता को आजीवन कारावास। झालावाड़ में अफीम की तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 10वीं मंजिल से गिरने पर महिला की मौत हो गई, जांच कर रही है पुलिस। करौली में जिला अस्पताल की इंदिरा रसोई में बेचा जा रहा था महंगा खाना, डीसी ने अचानक पहुंचकर किया निरीक्षण। पाकिस्तान से नोएडा आई महिला के पति ने प्रधानमंत्री मोदी से वापसी की गुहार लगाई है। अजमेर में युवक अपनी बेटी और बेटे को कुएं में फेंक दिया, लड़के की मौत हो गई, लड़की का उपचार चल रहा है। बाड़मेर में तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी तस्कर ढेर हो गया। महोबा के जिला अस्पताल में लाइन में लगे युवक की जेब काट रहे बदमाश को भीड़ ने जमकर पीट दिया, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह में 5 करोड़ की लूट मामले में पुलिस को सफलता मिली है, 3,24,00,000 रुपए बरामद हुए, 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में लकी ड्रॉ, फ्री हॉलीडे वाउचर, मूवी टिकट के नाम पर ठगी, शातिर ठग गिरोह के 6 जालसाज गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान के करौली में बीच सड़क पर पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली धस गई, वक्त रहते लोगों को रेस्क्यू किया गया। झारखंड के लातेहार में हाथियों के झुंड ने एक घर को तहस नहस कर दिया, हाथियों के हमले में बुजुर्ग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए।